अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का डेट नजदीक आता जा रहा है, उसी भी देखे तमाम जो संत हैं वह पहुंच रहे हैं वहां पर। इसी भी देखे हम प्रयागराज में थे और संत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरु जी, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी जैसे ओवैसी ही बोल रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की कसक हमारे रहेगी मन में, और अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद भी ऐसा क्यों वक्तव्य बोला जा रहा है? ये सब तुच्छ लोग हैं, मुझे लगता है कि इन लोगों की बात करनी ही नहीं चाहिए। इनके विषय में बात करना इनको आगे बढ़ाने का, ये तो छोटे कीड़े मकोड़े मच्छर की भांति हैं, बनबनाते रहते हैं। इनके वक्तव्य के लिए कुछ कहना मुझे लगता है कि उनको बड़ा करना होगा, इसलिए ऐसे लोगों पे मैं कोई वक्तव्य नहीं देता हूँ। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे राम भक्तों के लिए? राष्ट्र मंदिर का निर्माण और संपूर्ण विश्व के लोग अयोध्या की ओर देख रहे हैं, भारत की ओर देख रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से भारत के गौरव और गरिमा को बढ़ाने का कार्य किया है, उसके जो बिंदु हैं वो भगवान श्री राम है, राम मंदिर है। तो मैं सबसे ये चाहता हूँ कि आप सब अयोध्या आएँ, भगवान श्री राम का दर्शन करके अपने जीवन के और 5 वर्षों के संघर्ष के बाद इस दिव्य स्वप्न को अपने जीवन में साकार करें। 22 जनवरी के दिन लोगों से क्या आग्रह करना चाहेंगे? क्या रहें, मतलब घर पर रहें तो क्या करें वो? 22 तारीख को अपने घर के आसपास जो मंदिर हो वहाँ पर आप जाएं, दीप जलाएं, खुशियाँ मनाएं और दीपोत्सव जैसा आनंद पूरे देशवासी बनाएं, मैं यही अपील करना चाहता हूँ। मैं अयोध्या में रहता हूँ और मैं राम मंदिर प्रतिष्ठा में भी मैं शामिल होने का मुझे अवसर प्राप्त होगा। अच्छा, मतलब आपको भी निमंत्रण पत्र मिला है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मिला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। देखिए, अयोध्या से चलकर हमारे साथ गुरु जी जुड़े हुए थे और अभी प्रयागराज में इनका एक कार्यक्रम रखा गया था, उसी बीच हमारी मुलाकात हुई, तो हमने सोचा इनसे क्यों ना राम मंदिर के संबंध में कुछ बात किया जाए और जो ऐसे वक्तव्य हैं उनको भी आप तक प्रसारित करने का प्रयास किया जाए। चलिए, खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।